हेलो, देखो एडिनियम ग्राफ्टिंग के पहले और ग्राफ्टिंग के बाद तक के रूल्स, ये पूरे मैं भी ग्राफ्टिंग की हूँ। ग्राफ्टिंग करते हुए तो वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन ग्राफ्ट करने के बाद ये आज मैं इसको ग्राफ्ट करी हूँ। आज 21 तारीख है, मैं इसको 20 तारीख को इस जो पौधे में ग्राफ्ट करना था उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल दी थी एक दिन पहले, हल्की हल्की वाटरिंग की थी। ये देखो कितनी अच्छी सॉइल है, बस एक दिन पहले इसमें वाटरिंग की थी इन सब में। और आज ये दूसरे पौधे की जो कटिंग लेके इस पर ग्राफ्ट बांधी, अब इसमें पानी कब दूँ, इसको बांध ली हूँ, अब इसको रखूँगी शेड के नीचे, शेड या कोई पॉलीथीन के नीचे या कोई छत के नीचे जहाँ हवा आती जाती हो लेकिन धूप ना आता हो, है ना। अब आज की हूँ, आज के बाद 4 दिन बाद पानी डालूँगी इसमें, थोड़ा सा पानी बस नीचे, ऊपर से पानी ओस बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए इसमें। 4 दिन बाद पानी डालूँगी, फिर 4 दिन बाद पानी डालूँगी, 8 दिन हुआ, 8 दिन के बाद फिर 4 दिन बाद पानी डालूँगी थोड़ा सा। और जैसे ये 10 दिन कंप्लीट, 10 से 12 दिन कंप्लीट हो जाएगा तो ये वाला पॉलीथीन निकाल के चेक करूँगी कि इसमें आई फुटाव हुआ कि नहीं, कि ये जर्मिनेशन इसमें शुरू हुआ कि नहीं। जो अपन ग्राफ्ट बांधे हैं टैबलेट, छोटे छोटे से टैबलेट ग्राफ्टिंग बोलते हैं इसको, उसमें आई फुटा हुआ कि नहीं। जैसे कि ये देखो, ये लास्ट टाइम बांधी थी मैं, ये यहाँ से कट हुआ था, ये यहाँ बांधी थी और ये सब दिख रहा ना, आई इसी में आई फुटा हुआ। ये देखो ये निकला है, एक ये निकला है ना। ये इतना बड़ा तो नहीं, ये 1 साल पुराना ग्राफ्टेड है, ये मार्च अप्रैल में हुआ था और ये फर्स्ट ग्राफ्टिंग थी मेरी, फर्स्ट ग्राफ्ट हुआ था और फर्स्ट ही सक्सेस हो गया था, बाकी इस समय बहुत सारे ग्राफ्ट किए हैं। फिर उसके बाद इसमें जैसे ही आई फुटाव आएगा तो पॉलीथीन तो ये वाली निकाल दूँगी, 15 दिन बाद फिर से पानी डालूँगी और इसको खुले में रख दूँगी। उसके बाद जैसे नॉर्मल वाटरिंग करते हैं गर्मी में, सेम वैसी नेक्स्ट बरसात में जब आने वाला बरसात आएगा उस समय इसको शेड के नीचे रखना है, क्योंकि इसमें ये बहुत नरम पौधे, छोटे छोटे पौधे जैसे ये वाले, ये स्टार्टिंग के रहते हैं ना, ये इसमें फंगस हो जाते हैं क्योंकि छोटे छोटे से, अभी कम से कम इतने ही बड़े होंगे ये, जो यहाँ से निकलेंगे वो थोड़े थोड़े बड़े रहेंगे तो उसमें जल्दी फंगस होने का डर, इसलिए एक बरसात उसको अपन शेड के नीचे रखेंगे। फिर तब ठंड आएगा, डोरमेंसी में चला जाएगा, फिर अगले आने वाले सीज़न में यही जनवरी फरवरी से इसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे। वैसे तो फूल इसमें बरसात के मंथ में भी आ जाएंगे, जुलाई अगस्त में भी फूल आ जाएंगे, लेकिन इसको शेड के नीचे रखना है, ओपन एरिया में नहीं रखना है। यदि इस तरह ये रूल फॉलो करके ग्राफ्ट करोगे तो 100% सक्सेस होगा। मैं पिछले टाइम सिर्फ फर्स्ट ये ग्राफ्ट की थी और ये 100% सक्सेस हुआ था। अब इसमें मैं 2 ग्राफ्टिंग और की हूँ, ये टैबलेट ग्राफ्टिंग की हूँ और ये वी ग्राफ्टिंग की हूँ, ये वाला। अब देखो कौन सा सक्सेस होता है, होना चाहिए तो सभी सक्सेस हो जाएंगे, लग रहा है जिस हिसाब से हुआ। लास्ट टाइम मैं तो बस ट्राई की थी और सक्सेस हो गया था, बस इसका रूल फॉलो करने से ईजली सक्सेस हो जाता है। ज़्यादा पानी डालोगे तो सड़ जाएंगे, कम पानी से नहीं हो पाएंगे, ऐसा है, ठीक है।